Hello everyone. So today we are going to start exercise 5.5. So यहाँ पर हमें इन सभी functions का करना है differentiation with respect to x. So हम यहाँ पर use करेंगे logarithmic formulas. So we know log x to the power y is equal to y log x and log x into y is equal to log x plus log y and log x by y is equal to log x माइनस log y. सो अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सो y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. अब हम यहाँ पर दोनों साइड लेंगे log. सो टेक log ऑन बोथ साइड्स. वी गेट log ऑफ y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. सो इट इम्प्लाइज log ऑफ y विल बी इक्वल टू. सो यहाँ पर log की मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज होगी. सो इट विल बी log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. अब हम इस फंक्शन का आराम से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएट log ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एंड log cos x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई cos x और चेन रूल से cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन x प्लस log cos 2x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई cos 2x इंटू माइनस साइन 2x एंड चेन रूल से 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो इट विल बी 2. सिमिलरली log cos 3x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई cos 3x इंटू माइनस साइन 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x विल बी 3. सो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारे पास होता है टेन थीटा. सो हेयर वी राइट माइनस टेन एक्स एंड इट विल बी माइनस टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स. सो अब हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स. अब यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y हमारे पास है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स. सो ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव आ गया है. सो अब हम कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो वाई हम ले लेंगे अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव. सो लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव. सो यहाँ पर भी हम दोनों साइड लोग लेंगे ताकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए. सो टेक लोग ऑन बोथ साइड्स. सो लोग ऑफ वाई विल बी इक्वल टू लोग. सो अंडर रूट को हम पावर हाफ में रिप्लेस कर देंगे. सो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव के पावर 1/2. सो यहाँ पर हम लोगारिथमिक की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सो वी नो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m एंड log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n एंड log m by n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n. सो यहाँ पर हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू जो 1/2 पावर है वो लिख देंगे हम आगे. सो इट विल बी 1/2 log. सो यहाँ पर हम लिखेंगे log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू एंड ये सब डिवाइड में है. सो इट विल बी माइनस log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव.
सो इसको अब हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. सो लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू. एंड लॉग एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस 1 बाई एक्स माइनस फोर माइनस 1 बाई एक्स माइनस फाइव. सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y हमारे पास जाएगा राइट हैंड साइड में, सो इट विल बी y बाई टू. और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस 1 बाई एक्स माइनस फोर माइनस 1 बाई एक्स माइनस फाइव. सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू, सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई टू. एंड y है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव. और इसको हम लिखेंगे एज इट इज़, सो इट विल बी 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस 1 बाई एक्स माइनस फोर माइनस 1 बाई एक्स माइनस फाइव. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री. सो y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x. सो यहाँ पर भी हम बोथ साइड log ले लेंगे. सो इट विल बी, सो टेक log ऑन बोथ साइड्स, वी गेट log ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x. सो log ऑफ y विल बी इक्वल टू, अब cos x पावर हम लिख देंगे आगे, सो इट विल बी cos x इंटू log x. अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजीली विद रिस्पेक्ट टू x. सो नाउ वी विल डिफरेंशिएट. सो log ऑफ y का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एंड cos x इंटू log x का डेरिवेटिव करेंगे हम यूजिंग प्रोडक्ट रूल. सो cos x को लिखेंगे एज इट इज़, एंड log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई log x इंटू, एंड log x का डिफ्रेंशिएशन होगा यूजिंग चेन रूल, सो इट विल बी 1 बाई x प्लस cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, एंड log x को हम लिखेंगे एज इट इज. सो नाउ 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा. सो इट विल बी cos x वाई x इंटू log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू, सो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. सो इट विल बी कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स. सो अब हम यहाँ पर वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, एंड वी हैव वाई लॉग x टू द पावर cos x. सो इट इसको हम एज इट इज लिखेंगे cos x बाई x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x. सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर. टेक y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस टू टू द पावर साइन x. सो यहाँ पर हमारे दो फंक्शन हैं, एक x टू द पावर x एंड सेकेंड इज टू टू द पावर साइन x. सो लेट y इज इक्वल टू u माइनस v. सो इट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स. सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे du यू बाई डी एक्स. सो यहाँ पर u हम ले लेते हैं x टू द पावर x को, एंड v विल बी टू टू द पावर साइन x. सो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डी यू बाई डी एक्स. सो कंसिडर यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. नाउ वी विल टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो log ऑफ u विल बी इक्वल टू log x टू द पावर x. log ऑफ u विल बी इक्वल टू x पावर आ जाएगी आगे, सो इट विल बी x इंटू log ऑफ x. So now we can differentiate this function.
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो लॉग ऑफ यू का डिफरेंशिएशन आएगा 1 by u into du by dx इज इक्वल टू, एंड एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल. सो एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 by x प्लस लॉग एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स का. सो du by dx विल बी इक्वल टू u into, सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी 1 plus log of x. अब यहाँ पर हम u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो वी हैव u x टू द पावर x और इसको हम लिख देंगे एज इट इज 1 plus log x. सो नाउ वी विल फाइंड dv by dx. सो नाउ वी हैव v इज इक्वल टू 2 to the power sin x. So we will take log on both side. We get log of v is equal to log 2 to the power sin x. So it implies log of v is equal to sin x ko hum likh denge aage. So it will be sin x into log 2. Now we will differentiate this function with respect to x. So derivative of log v will be 1 by v into dv by dx is equal to, and sin x ka derivative hum karenge with respect to x, so it will be cos x, and log 2 is constant function, so we will write this function as it is. So dv by dx will be equal to v into cos x log of 2. सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो v है हमारे पास 2 to the power sin x और इसको हम लिख देंगे एज इट इज cos x into log of 2. सो नाउ वी विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू du by dx की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमारे पास आई थी x टू द पावर x इंटू 1 plus log of x, एंड वी हैव dv by dx इज 2 to the power sin x इंटू cos x log of 2. सो ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर.